रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम, इस नाम को भी सुना होगा, इस स्लोगन को भी सुना होगा, इसका पाठ भी आपने पढ़ा होगा। इसी पाठ को महसूस करने के लिए हम प्रभु राम श्री राम जी के नगरी यानी अयोध्या में हम इस समय आ चुके हैं। अगस्त का वो महीना जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया, 5 अगस्त का वो दिन जो अयोध्या के लिए एक सुनहरा पल था, वो अयोध्या आधा आज हम आपको वहां उसी अयोध्या का कुछ दृश्य कहें, नजारा कहें, दिखाते हैं। इस अयोध्या को समझिए, इस अयोध्या की तस्वीरों को आप भी साझा करिए। अपने सहयोगी से कहूंगा इस तस्वीर को दिखाएं। अपने आप में अयोध्या जो है वो वाकई में राम के नाम में मय है, तो यहाँ का जो दृश्य और जो नजारा है वो वाकई में एक अद्भुत है। अगर लोगों की यहाँ का कहना है कि अगर लोग यहाँ अयोध्या आते हैं तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्ति होती है, यहाँ पे गंगा स्नान किया जाता है, सभी आस्था का प्रतीक एक तरीके से कहें अयोध्या माना जाता है, क्योंकि वो अयोध्या है जहाँ से केंद्र हो या प्रदेश की राजनीति, यहाँ रोटियां गर्म होती हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, राम के नाम पे ही गाना गाते हैं, लेकिन जब भवन में जाते हैं तो राम को काल्पनिक के रूप में भी देखते हैं, और वही जो काल्पनिक कहते हैं वही प्रभु राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं। हम आगे की और भी आपको तस्वीर दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।